आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, जितेंद्र धोड़किया आईटीआई गुरु, आपको इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। हालांकि आपने आईटीआई का कोई भी ट्रेड किया हुआ हो और आपको अगर सॉफ्ट जॉब करनी है तो उसके साथ अगर कंप्यूटर का नॉलेज मिल जाए तो उसमें एक चांद बढ़ जाता है। जैसे वो पुलिस वालों के यहाँ सितारे होते हैं ना, वो अपने कंधे पे लगाते रहते हैं अपनी काबिलियत, अपनी होशियारी दिखाने के लिए, ऐसे ही ये कंप्यूटर का नॉलेज है वो एक सितारा है किसी भी टेक्निकल पर्सन के लिए। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि अगर कोई वायरमैन का टेक्नीशियन है और उसको वायरिंग का सब नॉलेज है, उसके साथ अगर उसको कंप्यूटर का नॉलेज भी अगर बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है कि वो PLCC यानी कि पावर लाइन कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। PCB बनाने का जो डिज़ाइन होता है वो वायरमैन वाले अच्छे बना सकते हैं, तो उसकी आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी, आपको अपना वैल्यू में एडेड मिलेगा। किसी मैकेनिकल वाला अगर कोई ट्रेनी है, छात्र है, तो उसको क्या होगा, अगर आपने समझो फीटर किया हुआ है और उसके साथ आपने अगर ऑटोकैड किया हुआ है तो आप कोई भी डिज़ाइन है वो कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। टर्नर वाले, मशीनिस्ट वाले जो बच्चे हैं उनको VLC जो कंप्यूटर का मशीन आता है वो चलाना आ सकता है, उसका प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं हम। CNC VNC का जो प्रोग्रामिंग होता है वो कंप्यूटर वाले जो करते हैं, वो अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो और उसका कोर्स कर ले तो आपका वैल्यू में एडेड होता है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है, तो आप सोचिए ज़रा कि आपके पास जो भी ट्रेड है, कोई भी ट्रेड आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि उसमें आगे जाके कंप्यूटर का क्या हिस्सेदारी है। समझो कि ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल में अभी जो बाइक वगैरह आ रही हैं, अभी जो फोर व्हील आ रहे हैं, वो सब कंप्यूटर के हिसाब से चेक होते हैं। कंप्यूटर के 2-3 केबल लगा देते हैं और ढूंढ लेते हैं कि उसमें कहाँ फॉल्ट है। बड़ी बड़ी बाइक आ रही है 2-2 लाख रुपये की, तो उसका भी जो फॉल्ट फाइंडिंग होता है वो सब डिजिटल होता है। और अभी ये स्पार्क प्लग वाला, वो सब इग्निशन वाला सब निकल गया है और सबको इलेक्ट्रॉनिक आ गया है और उसके साथ कंप्यूटर जुड़ गया है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रहा कि जिसमें कंप्यूटर या फिर ऑटोमेशन का कोई एडेड ना हुआ हो। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको अगर मल्टीपल स्किल लेना है तो आपके पास जो भी ट्रेड आपने किया है, ख़त्म किया है, एग्ज़ाम कोई बाकी हो या ना हो, आपने ITI पास किया है, तो आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले लीजिए और उसमें आपका ट्रेड का रिलेटेड कौन सा आगे बढ़ के आपको ज़रूरी है, आपको फ़ायदाकारक हो सकता है, वो ढूंढिए। वो अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मुझे आप कमेंट में अपना ट्रेड लिख के दीजिए, मैं आपको दूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर। जैसे कि कोई कॉमर्स वाला बच्चा अगर टेली सीख लेता है तो उसको उसमें उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है। अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है वो DTP सीख लेता है तो उसका एक वैल्यू एडिशन होता है। ऐसे ही ITI का भी है। ITI का बच्चा कोई भी कंप्यूटर सीख लेगा तो उसकी वैल्यू में 100% एडिशन होगा। आप अगर अपनी वैल्यू में एडिशन करना चाहते हैं तो आफ्टर ITI आप इन दिनों कहीं पे भी बैठ के कंप्यूटर सीख सकते हैं या कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं। हालांकि बेसिक जानकारी तो आपको आनी ही आनी है, आपको ईमेल करना, आपको रिज्यूम बनाना, आपको छोटा मोटा रिपोर्ट टाइप करना, वो सब तो आना ही चाहिए, वो तो मिनिमम में है। पर आप अगर थोड़ा डिटेल में भी उसका नॉलेज ले लेंगे तो हो सकता है कि आप आगे जाके उसमें अपनी तरक्की कर सके, अपनी करियर बढ़िया से बना सके और आप उसमें सॉफ्ट जॉब या फिर वाइट कॉलर जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और 40,000 रुपया से लेकर 1,00,000 रुपया तक ऐसे जो टेक्नीशियन है जो कंप्यूटर में कुछ नया जानते हैं, कुछ स्पेशल जानते हैं, जिसने स्पेशलाइज किया, और इसके लिए आपको 3 महीने से लग के 6 महीने से ज़्यादा आपको कोई टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, आपके पास बेसिक ऑटोमोबाइल नॉलेज है या फिर फिटिंग का नॉलेज है, जो भी नॉलेज है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो अगर आपको आता है तो आपको कंप्यूटर में वो चीज़ सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई सिविल वाला बच्चा है, कोई ड्राफ्टमैन वाला बच्चा है, उसको भी ऑटोकैड सीख लेना है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप कंप्यूटर सीख लें इन दिनों।
मैं आपका दोस्त जितेंद्र धड़ोकिया आईटीआई गुरु आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़े। आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगती हो और आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके ट्रेड में अगर आपको तरक्की करनी है और आपको पास कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप लिख दीजिए या फिर अपना मेल एड्रेस दे दीजिए। जो भी मेरे पास जानकारी नई नई आएगी मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, खूब बड़ा बड़ा शुक्रिया।